हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट पेपर वन। दिस इज क्लास नंबर 11। इससे पहले 10 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। सभी क्लासेस शॉर्ट वीडियोस हैं, 15 से 20 मिनट के लेक्चर्स हैं। आप इन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज अभी डिस्कस कर रहे हैं हम। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दोनों में पिन कर दूंगा। इससे पहले गाइस हम आगे बढ़ें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड गाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं आपको यूजीसी नेट मेंटर के नाम से मिल जाऊंगा। और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट PDF वगैरह हो गई या फिर कोई क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, कोई अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पर भी देता रहता हूँ। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आप क्वेश्चन आते जाएंगे, आप अपने मन में सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सो क्वेश्चन है द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। अब इस सीरीज में आपको एक मिसिंग टर्म है। अब यहाँ पर इस तरह देखिए, नंबर सीरीज के दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक में पूछा जाता है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जिसमें आपको कंप्लीट सीरीज गिवन होगी, और लास्ट में जो लास्ट वाला टर्म होगा यहाँ पे पूछा जाता है कि लास्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म। और कई बार आपको मिसिंग नंबर निकालना पड़ता है, जैसे इस सीरीज में कंप्लीट सीरीज गिवन है जिसके अंदर आपको एक नंबर जो है मिसिंग है, आपको इसका आंसर निकालना है। तो दोनों के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही में से किसी भी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने नंबर सीरीज को बहुत अच्छे से कवर किया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, बता रहा हूँ मैं, और क्रैश कोर्स में तो किया ही है, आप यूट्यूब चैनल पर भी कर रखा है मैंने। आप सिंपली यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिख देना नंबर सीरीज, सर्च करना यूट्यूब पर, मेरी वीडियो आ जाएंगी। इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया था डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हर एक टाइप मैंने अच्छे से डिस्कस करी हुई है। तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करके यूजीसी नेट मेंटर नंबर सीरीज लिख देना, आ जाएगा, उसको देख लेना। गाइज देखिए इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये कोई मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं डाला, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आपको सोचना है यहाँ पर ये गाइज कि यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो क्या होगा। चलिए फटाफट से सोचिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग और सोचिए क्या हो सकता है आंसर। ओके तो देखिए गाइज यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में गिवन है 1, फिर गिवन है 4, फिर 27, फिर 16। तो आप देखेंगे कि नंबर पहले बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फिर घट रहे हैं, फिर ऐसे ही बढ़, फिर घट जाएगा, फिर बढ़ रहा है अचानक से बहुत बड़ा। तो जब कभी ऐसा हो कि नंबर घट रहा है बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पर दो सीरीज गिवन हो सकती हैं। एक सीरीज जो है बढ़ने वाली सीरीज है, एक सीरीज घटने वाली सीरीज है। इस तरीके से दो सीरीज का मिक्सअप गिवन होता है, तो इस वजह से नंबर घटते बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक साथ चल रहा होता है। तो ये दो चीजें जो है मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकती है। ये जो दो केसेस मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों केसेस जो है ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपकी सीरीज जो है वो घट रही है बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर जो है घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप स्क्वायर और क्यूब रूट के रिलेटेड भी क्वेश्चन सोच सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। जैसे यहाँ पर 1 है, तो ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर यहाँ पर 4 है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। फिर 27 है, तो 3 का क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा। फिर 16 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर होगा 5। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर या क्यूब? यस यू आर राइट, क्यूब करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे यहाँ पे देखिए क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब करना पड़ेगा। ऐसे नेक्स्ट नंबर का क्या होगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 36 है। नेक्स्ट आपका 7 का क्यूब जो कि 343 है। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, 5 का क्यूब। अब 5 का क्यूब का मतलब 5 × 5 × 5, इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 125। सो 125 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको थोड़े से टफ लगते हैं, आपको समझ में नहीं आता किस तरीके से सोचना है, कैसे करना है, तो आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कीजिए यूजीसी नेट मेंटर नंबर सीरीज करके, तो वो वाली वीडियोस आ जाएगी, उनको देख लेना। वहां पर मैंने आपको सोचना सिखाया था। देखिए क्वेश्चन करना तो कोई भी बता देगा, लेकिन सोचना कैसे है, क्या सोचें भाई कि आपका आंसर निकल के आ जाए, तो वहां पर मैंने आपको सोचना सिखाया था। और 5 डिफरेंट तरह की सीरीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि इस तरह से क्वेश्चन जो है, अलग अलग केसेस बताए थे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो देख लेना, क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट है, आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करके बाद में देख लेना। ओके ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव विच कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। क्या बोला जा रहा है कि इन फैक्टर्स में से आपको सिलेक्ट करना है जिससे कि टीचिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ती है, जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। गाइस देखिए दो टॉपिक है जो कि आपको नहीं छोड़ने, एक तो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव टीचिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको करने ही करने हैं। इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन उसको छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ के जाओ, समझ के जाओ, और एग्जाम में इन दो टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांस काफी ज्यादा है। क्वेश्चन हिंदी में भी है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रशिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करने वाले सकारात्मक कारक शामिल है।
तो शिक्षण की प्रभावशीलता जो बढ़ाते हैं, जो इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं। तो गाइस ये जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो जो हिंदी वाले स्टूडेंट इस क्लास को, इस वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट से रीड कर लो। मैं एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। टीचर्स नॉलेज ऑफ दी सब्जेक्ट। देखिए अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाना है, अपनी टीचिंग में इफेक्टिवनेस लानी है, तो आपको अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ योर इफेक्टिव टीचिंग। सो ये तो होगा ही होगा, 100% होगा। नेक्स्ट टीचर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब टीचर किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, किस सोशल बैकग्राउंड से, क्या ये मैटर करता है? ये चीज़ मैटर नहीं करती इतनी, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर्स अपनी स्टोरियाँ सुनाते हैं कि मैं बचपन बहुत गरीब हुआ करता था, फिर अचानक से मेरी जॉब लगी, मैं बहुत अमीर हो गया। तो इस तरह की टीचर्स भी दिखते हैं। कई बार ऐसे टीचर होते हैं जो कि बचपन से बहुत अमीर होते हैं, वो बड़े होकर भी अमीर ही रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। तो आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है ये मैटर नहीं करता टीचर के इफेक्टिव टीचिंग पे। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द टीचर। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज मतलब सी ऑप्शन भी होगा क्योंकि यहाँ पर टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। आपको कितनी भी नॉलेज की ना हो अपने सब्जेक्ट की, लेकिन अगर आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे में कोई फायदा नहीं आपके अच्छी नॉलेज का। तो ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप इंग्लिश ताबड़तोड़ बोले जा रहे हो, फर्राटेदार, तो सब कुछ आ गया भाई, नहीं वो नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप जो समझाना चाहते हो उसको उस तरीके से समझा पा रहे हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करो आप। अगर आप साउथ इंडिया से हो तो आप अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। अगर बंगाल में रहते हो तो बंगाली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करो। लैंग्वेज तो इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप जो आपके पास नॉलेज है आप उसको कितने इफेक्टिव तरीके से आगे वाले को कन्वे कर पा रहे हो। दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये चीज़ें होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका टीचर्स एबिलिटी टू प्लीज द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट को खुश करने की टीचर की कितनी शक्ति है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, तो ये यार मैटर नहीं करता क्योंकि हम टीचर, हम स्टूडेंट को खुश करने नहीं आए, हम तो पढ़ाने आए ना, ये तो चीज़ मैटर नहीं करती। नेक्स्ट आपका टीचर्स पर्सनल कॉन्टेक्ट विद स्टूडेंट। अब टीचर का स्टूडेंट के साथ व्यक्तिगत तौर पर कितना उसका रिश्ता है, कितना नाता है, आप टीचर और स्टूडेंट का अच्छा बिहेवियर आपस में नहीं है, तो ये चीज़ में मैटर नहीं करती इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग पे। नेक्स्ट आपका टीचर्स कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजेक्शन। तो गाइस ये बहुत मैटर करता है। कई बार अब क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत हल्ला मचा रहे होते हैं और टीचर को अगर मैनेज करना नहीं आ रहा तो ऐसे में वो कुछ भी पढ़ाता रहे, समझ नहीं आएगा बच्चों को क्या चल रहा है ना। तो इसलिए क्लास को मैनेज करना, क्लास को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ये टीचर्स की कॉम्पिटेंसी होनी जरूरी है, उसके अंदर इस ये स्किल होनी जरूरी है। तो ये तीन ऑप्शन हो गए, ऑप्शन नंबर ए, सी और एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी एफ कहाँ पर, यहाँ ये रहा, ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब गाइस देखिए जो लास्ट ऑप्शन था ना कि टीचर को क्लासरूम को मैनेज और मॉनिटर करना आना चाहिए, तो गाइस देखिए मैंने इसके लिए आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ, बिकॉज ये आपके रियल लाइफ में भी काम आएंगी। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, अगर आपको बोलना नहीं आता, चीज़ों को एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो ऐसे में आप घबरा जाते हो कि मैं बच्चों के सामने क्या बोलूंगा, मुझे तो बोलना ही नहीं आता इतने सही से ना, तो ऐसे में क्या करें, आप कहाँ से कॉन्फिडेंस लेके आए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोचिंग ज्वाइन कर लो, एक छोटा सा रास्ता है आपके लिए ये, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आप कोचिंग का मतलब ये नहीं कि सामने एक बच्चा बैठा है और आप यहाँ बैठे हो, वन टू वन पढ़ा रहे हो, ऐसी कोचिंग ज्वाइन मत करना। ऐसी कोचिंग ज्वाइन करना जहाँ पर कम से कम 8-10 बच्चे सामने बैठे हों और आप यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हो। इस तरह की कोचिंग ज्वाइन कर लेना, पार्ट टाइम बेसिस पे 1-2 घंटा पढ़ा दोगे, मतलब दिन में 1-2 घंटा पढ़ा दोगे कुछ महीनों तक, 2-4-6 महीने, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नेक्स्ट लेवल का आ जाएगा। ये करके देखना, ये प्रूवन ट्रिक्स है, मैं बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको यहाँ पर ऑनलाइन कि इस तरीके से करो, उस तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चे ना, हाँ आप लोग जैसे कैंडिडेट हैं, आप लोग घबराते हैं कि कॉलेज लेवल पे आप कैसे पढ़ाओगे, वहाँ तो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना बोलने के लिए। तो इस तरीके से आप अपना कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है गाइज आपका कि किस तरीके से हम क्लास को मॉनिटर करें, क्योंकि मान लो क्लास में सामने 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप अकेली टीचर हो, आपकी पहली क्लास है, आपका पहली बार पढ़ाने जा रहे हो या फर्स्ट ईयर आपका पढ़ाने का, तो ऐसे में कैसे मैनेज करें, हमें तो मैनेज करने ही नहीं आएगा इतने बच्चों को, तो क्या करें गाइज। देखिए ऐसे में हमेशा आप स्टूडेंट्स को इंगेज रखें, इंगेज इन द सेंस कि बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहे, जब जो भी आप पढ़ा रहे हो बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहो स्टूडेंट्स से, तो वो इंगेज रहेंगे आपके साथ कि क्या चल रहा है क्लास में। प्लस एक कॉलेजेस में क्या होता है कि अटेंडेंस का एक बहुत बड़ा इशू होता है ना, तो अटेंडेंस से डरा के रखो कि जो बच्चा हल्ला मचाएगा, जो बच्चा बात करेगा, उसको अटेंडेंस आज की नहीं मिलने वाली, ये लिख के ले लो। तो ये चीज़ आपके हाथ में होती है, टीचर के हाथ में पावर होती है अटेंडेंस की, तो इस तरीके से आप डरा के रखो थोड़ा सा, और क्लास को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाओगे तो बच्चे बोर नहीं होंगे और इजीली चीजें मैनेज हो जाती हैं, कोई इशू नहीं आता है ना। सो गाइस यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, मैंने जो रियल लाइफ की चीजें बताई वो भी जरूरी है इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो आपको पता है कि मैं इन बिटवीन क्लास में इतनी बातें नहीं करता, लेकिन आप क्योंकि आप
प्रोफेसर बनने ही जा रहे हो और ऐसे में चीज़ें आपको जानना जरूरी, इसलिए मैंने आपको बता दिया 2-4 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेकर के, नहीं तो आपको तो पता है मैं इन बिटवीन क्लास इधर उधर की बातें नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ, क्या बोला जा रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किस आधार पर उचित है। तो जो आप टीचिंग एड्स यूज करते हो, लाइक आपने देखा भी होगा कि मैं भी कभी कभी इमेज डाल देता हूँ, इमेज डाल देता हूँ ताकि आपको चीजें चीजें अच्छे से समझ में आए, चीजें इंटरेस्टिंग लगे और चीजें ज्यादा टाइम तक आपको याद रहे। और मेन मकसद ये होता है इमेज डालने का कि आप चीजें इजिली समझ पाए। एक बार क्या होता है कि जो लिखी हुई चीजें वो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हम इमेज देख के जल्दी से समझ जाते हैं कि अच्छा ये कहा जा रहा है, तो इसलिए हम टीचिंग एड्स का ज्यादातर यूज करते हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पर ऑप्शन गिवन है किस लिए यूज करते हैं, क्यों जस्टिफाई किया जाता है इस चीज को, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, तो हाँ ये तो होता ही है, बच्चे थोड़ा सा अटेंशन बना के रखते हैं, मिनिमाइजिंग इनडिसिप्लिन प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, तो बच्चे इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम शांत हो जाती है क्या टीचिंग एड्स से, तो हाँ कुछ हद तक तो थोड़ा बहुत हेल्प करता ही है टीचिंग एड्स वगैरह। कोई अपनी वीडियो प्ले कर दी 5 मिनट की छोटी सी, जिससे बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं, या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड छोटी सी वीडियो प्ले कर दी, तो ये भी क्या आपकी टीचिंग एड्स का ही पार्ट है। जैसे कोई सपोज करो शेयर मार्केट पढ़ा रहा है, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड उसने 5 मिनट की वीडियो दिखा दी किस तरीके से चीजें होती हैं, ये आपकी टीचिंग एड्स होते हैं। इमेज के अलावा वीडियो उसमें वीडियोज भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, तो इसलिए ज्यादातर यूज होता है कि हम आपके लर्निंग आउटकम को, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लर्निंग आउटकम्स को ऑप्टिमाइज कर सके, मतलब मैक्सिमम जो है आपके अंदर चीजें डाली जा सके, आपको चीजें समझ में आए कि हाँ सर क्या पढ़ाने आए थे, और एक ही बार में जब आप चीजों को देखें पढ़ें तो समझ में आ जाए कि हाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। इसलिए टीचिंग एड्स लगाना जरूरी है, इमेजेस वगैरह वीडियोस वगैरह और तरह तरह की जो चीजें डायग्राम वगैरह डालने जरूरी हो जाते हैं, तो इसलिए जो है आपके आउटकम्स को बढ़ाने के लिए चीजें करी जाती हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए गाइस इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन काफी ईजी होते हैं, याद रखना हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगे दिख जाए तो ये सोच लेना अपने मन में कि हाँ आजम सर ने कहा था कि क्वेश्चन इस तरह के इजी होंगे, इसलिए आपको डरना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन से। इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअल में इजी होते हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ, आज का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, ठीक है, करेक्ट यहाँ पर कोड बताना है कि राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सेकंड फर्स्ट फोर्थ में। सो सेट वन सेट टू आपस में मैच करना है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सबमिटिव इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, नॉर्म एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। तो गाइस यहाँ पर 4 गिवन है, यहाँ पर भी 4 गिवन, इनको मैचिंग करनी है। अब गाइज देखिए, अगर मुझे 1% भी नॉलेज नहीं है, क्या मैंने क्या बोला कि मुझे 1% भी नॉलेज नहीं है कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सबमिटिव इवेल्युएशन या फिर ये क्या होते हैं, मुझे 1% भी नहीं पता, मैं पहली बार गया हूँ एग्जाम देने, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम जब मैं एग्जाम में अपेयर कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इन टॉपिक के बारे में, तब भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को सही करके आओगे अगर आप मेरा तरीका अपनाओगे। तो गाइज मेरा तरीका क्या है, और ये मैंने अपने तुक्का वाली वीडियो में बताया था कि तुक्का किस तरीके से लगाया जाए, नहीं देखा तो देख लेना, मैं हमेशा कहता हूँ तुक्का वाली वीडियो देख लो, बिकॉज आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कैसे देखें, यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना तुक्का TUKK करके लिखोगे तो आ जाएगी वीडियो, देख लेना, उसमें भी मैंने सेम चीज बताई थी कि साइंटिफिक वे में किस तरीके से तुक्का लगाया जाए। अब सुनना ध्यान से, इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन तो आपको आंसर पढ़ के ही पता चल जाएगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सबमिटिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कंप्लीट तरीके से हर एक एस्पेक्ट का आपका इवैल्यूएशन किया जा रहा है, ठीक है। अब आप ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन, इवैल्यूएटिंग कॉग्निटिव एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट विद रेगुलरिटी। विद रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूअसली आप जो है चेक करे जा रहे हो, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट वर्ड बोल दिया कंटिन्यूअस, यहाँ बोल दिया रेगुलरिटी, मतलब रेगुलर बेसिस पे आप चेक कर रहे हो, तो भाई ये तो क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, मतलब सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर सी का जो फर्स्ट है, सी का फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, और देखो ना यहाँ पर है ना यहाँ पर ना यहाँ पर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर एंड दिस इज 100% ठीक क्वेश्चन, ये जो मैंने आंसर निकाला दैट इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 100% ठीक हो गया, मतलब मुझे नॉलेज तक नहीं है कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन ठीक कर लिया, समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार, थोड़ा सा अपना आईक्यू जो आपका है, जो आपका आईक्यू लेवल, उसको थोड़ा सा यूज करोगे, थोड़ा सा रीजनिंग अपने दिमाग में इस तरीके से सोचोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन सही होकर आएगा। तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा चालाक बनो यार, तुम लोग ना बहुत भोले भाले हो, थोड़ा चालाक बनो। चालाक कैसे बनना है, चालाक बनना है अपने दिमाग का यूज करके, सोचो कि भाई क्या बोला जा रहा है, भोले भाले मत बनो को एग्जाम में, ठीक है, थोड़ा चालाक बनने की कोशिश करो, इस तरीके से करो। और देखो अगर मुझे ये चीज करने में भी समझ में नहीं आ रहा, और अगर मुझे इन चारों में एक की भी नॉलेज है, जैसे मुझे ये पता है कि आजम सर ने पढ़ाया था मुझे इवेल्युएशन के बारे में, जहां पर सबमिटिव इवेल्युएशन के बारे में बात कही थी,
या फिर चलो मेरी पढ़ाई भी बात भी आपको याद नहीं है, अगर आपने ग्रेजुएशन या 10th 12th क्लास की एग्जाम या पोस्ट ग्रेजुएशन की एग्जाम भी दिए हैं अच्छे से अपनी लाइफ में, सीरियस हो गए कभी किसी भी क्लास के, तो वहां पर जब भी फाइनल एग्जाम होता है उस फाइनल एग्जाम को सम्मेटिव इवेल्युएशन के नाम से जाना जाता है। सम्मेटिव एग्जाम कहते हैं, याद है? अगर याद नहीं होगा तो याद कर लो, सम्मेटिव इवेल्युएशन का मतलब फाइनल एग्जाम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम, फाइनल एग्जाम की आप ग्रेडिंग कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, सम्मेटिव इवेल्युएशन, मतलब ऑप्शन नंबर बी का थर्ड। आप देखिए बी का जो थर्ड है वो यहां पर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से भी आप चीजें कर सकते हो। अगर इन चारों में मुझे एक भी पता है, जैसे सम्मेटिव पता है या फिर फॉर्मेटिव पता है, तो भी मैं आंसर इजिली कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिव के बारे में कि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, कि इन बिटवीन क्लास, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो मैंने क्लास के बीच में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया बच्चों से कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, या तुम बताओ खड़े होकर कि बेटा बताओ, खड़े हो जाओ बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस तरीके से अगर मैं विद इन क्लास कर रहा हूँ तो उसके उसको हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कहते हैं, मतलब पढ़ाते पढ़ाते ही मैं बच्चों को चेक कर रहा हूँ। तो ये आपका क्विजेज एंड डिस्कशन हो जाएगा, जहाँ पर मैं विद इन क्लास डिस्कशन कर रहा हूँ, क्लास में क्विजेज वगैरह करवा रहा हूँ। तो ये ए का फोर्थ हो जाएगा, तो एक आप देखेंगे फोर्थ यहाँ पर गिवन है और कहीं भी फोर्थ गिवन नहीं है, है ना? तो अगर मुझे एक भी आइडिया है तो भी मेरा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा चालाक बन के आंसर दे के आओ यार, ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगी, है ना? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इस तरीके से आप करोगे तो आपकी मिनिमम नॉलेज के साथ भी मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आ पाओगे। इसलिए गाइज थोड़ा सा इस तरीके से सोचिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का फायदा उठाइए, है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखिए गाइज, जो मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस वाली स्लाइड में, ये टिप्स एंड ट्रिक्स कहलाती हैं, जिस जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं सभी स्टूडेंट्स को पता चले। वैसे तो मैं क्रैश कोर्स में, जो मैंने क्रैश कोर्स डिजाइन किया उसमें मैंने इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ये तो सिर्फ एक मैंने ट्रिक बताई है, ऐसी बहुत सारी ट्रिक होती हैं जिसको मैंने अपने क्रैश कोर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है सभी तरह की ट्रिक्स को। तो इस तरह की ट्रिक्स अपनाओगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प ही होगी, है ना? तो पढ़ाना और टिप्स एंड ट्रिक्स बताना दोनों ही बहुत जरूरी है आपके एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए। बाकी जगह क्या होता है, आपको पढ़ा के छोड़ देंगे, हो गया काम। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखो, वो भी जरूरी है भाई, वो नहीं सीखोगे तो कैसे बात बनेगी, तभी तो आप एग्जाम क्रैक करोगे, दो चार नंबर से बच्चों का रह जाता है एग्जाम। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है। इस क्वेश्चन को तो भैया कितनी बार पूछ चुके हैं यूजीसी नेट वाले, और दोबारा पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, आप चेक करना, और मतलब रिपीट इन द सेंस कि सेम लाइन रिपीट नहीं होती, क्वेश्चन पूछने का तरीका रिपीट कर देते हैं वो। जैसे पूछेंगे कि बताओ रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, तो भी सेम क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया या ये क्वेश्चन पूछ लिया, ये एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग नहीं है, तो ये लैंग्वेज चेंज करके इस सेम क्वेश्चन को बार बार पूछते रहते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाल दिया बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और दोबारा से आ सकता है एग्जाम में। सो पहला स्टेप क्या होता है रिसर्च का, या हम कह सकते हैं कि इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप रिसर्च क्यों करते हो, कैसे परस्यू करते हो। सो फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च क्वेश्चन, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, सबको पता है ना? सो एक शोध प्रश्न की तैयारी करना, आपको रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए अगर आपके ऑप्शन में ये गिवन है फिर तो ठीक है, और अगर ये गिवन नहीं है और लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, अगर ये लिखा हुआ है तब ये आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, रटो मत, हमेशा चीजों को रटो मत, समझ लो कि रिसर्च करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ये आपका पहला स्टेप होता है। और अगर ये ऐसे गिवन नहीं है तो आप क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हो, एक शोध प्रश्न के तैयार करना, ये भी आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है ना? तो दोनों ही आपके फर्स्ट स्टेप हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, सात स्टेप्स होते हैं रिसर्च के। डिफाइन रिसर्च प्रॉब्लम बोलो या इसको बोल लो कि फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन, ये दोनों एक ही बात है, यही आपका फर्स्ट स्टेप होता है, याद कर लो, दोनों ही आपके सही आंसर है जो भी आपका ऑप्शन में गिवन होगा। और लास्ट स्टेप याद कर लो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, फर्स्ट और लास्ट पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, फाइनली आप अपना जो है रिपोर्ट राइटिंग लिख के बता रहे हो कि आपने क्या फाइंड आउट किया, दैट विल बी द लास्ट स्टेप। तो गाइज ये चीजें हैं आपको याद करनी है, और वैसे मैंने स्टेप्स ऑफ रिसर्च पर ऑलरेडी क्लास ले रखी है, आपने नहीं देखी तो देख लेना, सिंपली आपको सर्च करना है यूजीसी नेट मेंटर रिसर्च प्रोसेस, इतना लिख दोगे तो यूट्यूब पर ये वाली भी क्लास आ जाएगी। जिस भी टॉपिक को आपको पढ़ना है आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो, अगर मैंने क्लास ली होगी तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया गाइज? आप देखो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लो। यहाँ पर जो इनके एग्जाम दिसंबर या जनवरी के मंथ में होने वाले हैं उनके लिए 6 मंथ 12 मंथ का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए
यूजीसी नेट का सिलेबस काफी बड़ा होता है, टोटल 20 यूनिट्स होती हैं पेपर वन पेपर टू की मिला करके, तो इसलिए 6 मंथ तो चाहिए ही होते हैं। तो आप अभी से स्टार्ट कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी एग्जाम तक। और बस यही यही रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चे एग्जाम क्रैक कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ करते हैं तैयारी फॉर्म निकलने के बाद, जबकि कुछ तैयारी पहले स्टार्ट कर चुके होते हैं, और जो पहले कर चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है वो आगे बढ़ चुके हैं ना, उनको ज्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो इसलिए जितना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उतना बेटर रहेगा। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपकमिंग सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए मैंने टॉपिक को, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, देखिए टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, ये लेक्चर्स वगैरह है, इस तरीके से मॉक टेस्ट है, आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं, आपके क्रैश कोर्स के अंदर ही मॉक टेस्ट होते हैं, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। 95 अराउंड मॉक टेस्ट है यहाँ पर, आप देखेंगे हर एक यूनिट के अच्छे से कवर किया हुआ है, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा गाइस आप देखेंगे यहाँ पर पेपर वन अवेलेबल ऑलरेडी करवा दिया गया है, बायलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में सारा कंटेंट है, सभी कोर्सेज बायलिंगुअल रहते हैं, कॉमर्स भी है, मैनेजमेंट अगले अगले मंथ से आपको मिल जाएगा, अक्टूबर के मंथ से आपको अवेलेबल हो जाएगा। 95 मॉक टेस्ट है और पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है, एनटीए जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है, तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपकी स्टडी रहने वाली है। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल फोन में और एक बार जल्दी से फटाफट से गो थ्रू कर लो, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लो, वहाँ पे भी आपको अपडेट मिलते रहते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लिए, अभी तक नहीं किया है, भूल गए तो अब कर लेना, है ना। और गाइस वीडियो को शेयर कर दिया करो, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते यार, वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि इस तरीके से भी क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों को ही फायदा है ना। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।